हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वॉइस के चैनल टेक में स्वागत है। मैं यूसुफ शेख। आज आप जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक। आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आप किसी भी एयरटेल शॉप पर या ग्राहक सेवा केंद्र पर, जहां भी एयरटेल का बड़ा बोर्ड लगा हो, वहां पर आप जाकर आपका एयरटेल बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसका KYC भी हो जाता है और आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको PC पर दिखा रहा हूँ, आप इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप द्वारा। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। ये एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन खुल गया दोस्तों। आपको मोबाइल में स्क्रॉल में दिखाई देगा, मेरे PC पे आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ मेरा शेष बैलेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, आपको पेमेंट अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मनी ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर कैश विड्रॉल है, कैश ड्रॉप है, कैश डिपॉजिट है, APS विड्रॉल है, मोबाइल रिचार्ज है, DTH है, इलेक्ट्रिक बिल सिटी है, गैस का बिल भर सकते हैं आप, वाटर का बिल पे कर सकते हैं, और ओपन एन अकाउंट है, VBT सपोर्ट वगैरह है, कमीशन मीटर बताता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, लेजर हिस्ट्री एंड नए ऑफर्स आपके सामने अवेलेबल करता है दोस्तों। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन वही है दोस्तों। यहाँ बैंकिंग क्लिक करेंगे तो इसमें से मिनिमम बैंकिंग के जो ऑप्शन होंगे वही आपके सामने रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे। इसमें बैंकिंग के ही सिस्टम में दिखा रहा है आपको बैंकिंग के बारे में। अब यहाँ पे एंड बिल्स में रिचार्ज में जाते हैं तो ऑनली रिचार्ज के जो ऑप्शन होंगे, जैसे कि पे बिल्स एंड रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, मोबाइल रिचार्ज, DTH वगैरह वगैरह। तो होम पर आ जाते हैं, ऐड आपको बैलेंस करके बताता हूँ मैं आपको। ऐड बैलेंस में आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिखाएगा, ये आपको मेरे को दिखा रहा है, आपके यहाँ नहीं दिखाई देगा। आप ऐड बैलेंस UPI द्वारा भी ले सकते हैं। यहाँ आपको अमाउंट लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000। इसके अलावा UPI ऐड बैलेंस करता हूँ, ये प्रोसेस कर देते हैं। अब मेरा UPI कनेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए ना बोल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मनी ट्रांसफ़र से, मनी ट्रांसफ़र में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ, प्रोसेस कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी मनी ट्रांसफ़र में आपके नाम रजिस्टर्ड ऑलरेडी होंगे वो आपको यहाँ शो करेंगे दोस्तों। जो भी रजिस्टर्ड रहेंगे वो यहाँ आपको शो करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, कैश विड्रॉल वगैरह है तो आओ APS वाले करते हैं, वो ग्राहक सेवा केंद्र वाले करते हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा मैं आपको कैश डिपॉजिट हो गया, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गया, मैं आपको एक बिल पे करके बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन का कहते हैं मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना है आपको, या आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं मोबाइल नंबर डाल के आपको बता देता हूँ। मैं मोबाइल नंबर डाल दिया, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मेरी जो कंपनी है। उसके अलावा मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर अमाउंट जो भी डालेंगे इसको प्रोसेस कर देंगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बता दूँ दोस्तों, DTH है, DTH के ऑप्शन आपको आ जाते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। इसके अलावा यहाँ DTH आपका जो भी कस्टमर ID होगा वो डालना है, यहाँ से आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है। मैं आपको एक पे करके ही बता देता हूँ, मैं नंबर डाल दिया, महाराष्ट्र चॉइस किया और सेलेक्ट BST बिल, मैंने सेलेक्ट BST बिल किया। अब कंज्यूमर नंबर डाल देता हूँ मैं 647। इस तरीके से अब नंबर डालने पे आपके सामने नाम आ जाएगा, है नाम आ गया है दोस्तों। यहाँ पे अमाउंट बता रहा है, इस तरीके से आपके सामने ये अमाउंट बता रहा है। यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप, जो भी उसका पिन रखेंगे, पिन डालना है और इसे पे एंड बिल्स करना है, इसे पे कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा कि ये बिल
पे हो जाएगा दोस्त। ये देख रहे हैं आप, आपके सामने रसीद आ गया। ये रसीद आप क्या, यहाँ से आप इसे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका बिल पे हो गया है। अब ये बिल पे हो गया, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एक और बिल आपको पे करके बताता हूँ दोस्तों। ये नाम आ गया, ये अमाउंट आ गया, और यहाँ पर मैं BST का बिल है, ये कंज्यूमर नंबर, ड्यू डेट, बिलर नंबर, बिल इशू की डेट है, नाम है, और अमाउंट है 240 रुपया। यहाँ पर हम हमारा पिन डालेंगे। जो भी आप अपना पिन रखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, वो पिन आपके 4 डिजिट के होते हैं, वो आप डालेंगे, ऐसे पे करेंगे। इस तरीके से आप बिल भी भर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ हैं इसमें, आप एनी बिल भर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, गुड लक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।